दे दिए साला, सैयद ताज पहन लिए, ताज पे बैठ गए। अरे महादेव मतलब घंटा, महादेव महादेव का तो ऐसे दीवानी है दुनिया की पूछिए ही मत। अपने आप को सच में भगवान शंकर जी समझ लिए हैं। महादेव महादेव, अरे घंटा ना महादेव, तो क्या महादेव जैसे हम बनाइले बानी वैसे बिगाड़ू देवे, यो पूछ लिए जे बनाया वाला बिगाड़ू आवेला। हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं, प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइएगा। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो कोई भाई देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक तो करने की बात नहीं है, आप लोग जानते होंगे कि वीडियो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो की आगे शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की नई अच्छी से अच्छी अपडेट हम देते रहेंगे ब्लॉग के माध्यम से, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, आज बात करेंगे गोरखपुरिया भौजी के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने क्लिप में देखा होगा कि गोरखपुरिया भौजी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और उनका दिमाग थोड़ा सही नहीं है दोस्तों, जो कि पति को अपने उल्टा सीधा बक रही हैं और कह रही महादेव नहीं महादेव माने घंटा। तो दोस्तों, हम आप लोगों से जो बात हमें बुरी लगी आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, आप लोगों से कहना चाहते हैं, भूल चूक कोई हो तो क्षमा करिएगा। बाकी आप बताइएगा कमेंट करके कहाँ तक ये बात सही है। दोस्तों बताइए, क्या अपने पति का गोरखपुरिया भौजी ने महादेव इसीलिए नाम रखा है कि उनको जब चाहे घंटा बनाएं, जब चाहे जो है कि उल्टा सीधा बकें? मतलब एक महादेव को जो दिल करे उनका वो कहें, उससे चीज़ से कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, आपको ना हमको, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाभी जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप इतनी समझदार होते हुए इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हैं? मतलब अरे, अपने पति का नहीं, कम से कम जिस जो नाम रखी हो जो है कि देव के देव महादेव का, तो कम से कम उस नाम का आप रिस्पेक्ट कर लीजिए। आपको अपने पति को गाली देनी है, आपके अपने पति से झगड़ा करना है, कुछ भी करना है, तो आप उनका रियल नाम लेकर कहिए। जो उनका रियल नाम है तो इसे सुनने में भी भद्दा नहीं लगेगा, क्योंकि अब कुछ लोग हैं जो इंडिया से हैं, कुछ लोग हैं इंडिया के बाहर के हैं। आप मेरी बात को समझिएगा, गौर से समझिएगा दोस्तों, आप लोग भी, गोरखपुरिया भौजी आप भी। कुछ लोग हैं अपने इंडिया से, कुछ लोग हैं अपने भारत से बाहर के। भारत वाले लोग तो आपकी शॉर्टकट भाषा समझ जाएंगे, बाकी जो बाहर वाले आपकी देखते हैं वीडियो, वो आपकी शॉर्टकट भाषा नहीं समझ पाएंगे। वो यही समझेंगे कि महादेव को गाली दे रही है एक भारत की लेडीज़। दोस्तों मेरी बात को समझिएगा। तो हम गोरखपुरिया भौजी से यही कहना चाहते हैं कि आपको अपने पति को गाली देनी है तो आप अपना पति की रियल नाम लेकर गाली दीजिए। आपको जो भी कहना है अपने पति के रियल नाम लेकर कहिए, और नहीं तो जब ऐसे ही उल्टा सीधा तुम्हें गाली गुप्ता करना था उनके नाम को लेकर, तो उनका महादेव नाम ही नहीं रखवाना चाहिए था। महादेव उनका नाम रखाई हो और कहती हो उनका पूरी दुनिया पूछती है और तुम उनको गाली देती हो, घंटा दिखाती हो, तो यही बात है दोस्तों। आप लोग भी देख सकते हैं और अभी क्लिप में हम डालेंगे, आप लोग सुन लीजिएगा क्या क्या कह रही है। और गोरखपुरिया भौजी को ऐसा नहीं कहना चाहिए फिलहाल, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसके दिमाग की बात है, इतने गुस्से में है। लेकिन ये गुस्से में है तो ये घंटा उंटा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उनका महादेव का जो नाम रखा है, महादेव का मतलब भगवान का नाम है महादेव, तो उनके ऊपर ऐसा ना कहें। बाकी इनको अपने पति को जो मर्जी वो बोले, उससे किसी कोई मतलब नहीं है। आप लोग वीडियो देखिएगा पूरा और आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्या सही है क्या गलत है। और दोस्तों, जैसे कि पति ने मेरे कहा भी क्लिप लगा देंगे, तो क्लिप तो आप लोगों ने शुरुआती में देखे होंगे। तो दोस्तों अभी वो क्लिप दिखाएंगे, थोड़ा आगे की बात करेंगे हम दोस्तों, जो कि उनके घर गई थी लड़की के। गलत फहमी नहीं है दोस्तों, जान लग रहा है बात सही है, पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। हम महादेव भैया को भी यही बात कहना चाहेंगे कि आपके तीन बच्चियां हैं, बच्चियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, थोड़ा आप समझदार हो जाइए। दुनिया में बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो मार खा के इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन भाभी ने आपका हाथ पकड़ा है, आपका हाथ पकड़ के इतनी दूर चली आई हैं, तो आप अपने बच्चों का और भाभी जी का ख्याल रखिए और ये सब ड्रामे मत फैलाइए। क्योंकि YouTube पर आप जानते हैं, इतनी सी कोई बात डालोगे तो वो आग की तरह फैलती है और लोग तरह तरह की वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो कोई किसी का ना वीडियो बनाना रोक पाएगा ना किसी को कोई मना कर पाएगा।
तो हम यही कहेंगे कि आप लोग मिलजुल कर रहिए, आपका हंसी खुशी परिवार है, अच्छे से आप लोग गुजारा करिए। और गोरखपुरिया भौजी से हम कहेंगे कि महादेव भैया का नाम लेकर, जो है असल नाम है, अगर गाली देना है तो असल नाम लेकर गाली दीजिए, क्योंकि गलती तो वो किए ही हैं। और बहरहाल बाकी जो है कि यश नाम, महादेव नाम लेकर आप गाली मत दीजिएगा, क्योंकि संदेश बहुत बुरा जा रहा है और अपडेट लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, और हम यही कहना चाहते हैं। और दोस्तों आप लोग क्लिप में देखिएगा कि गोरखपुरिया भौजी की एक एक बात सच है जो जो है कि अपने पति को कह रही हैं। उस लड़की के घर गई थी, धूप में घर गई थी उनके, जो कि कहीं जाती आती नहीं है, धूप में घर गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, हाँफ भी रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान भी थी वो, और आप लोग देखिएगा बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो आप लोग को क्लिप में हम दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो में फिर मिलते हैं। तो आप लोग तो एकदम थक गए हैं, एकदम धूप था, धूप में उस लड़की के घर गए थे। और दोस्तों क्या बताएं, वहां पर जाने के बाद पता चला, इधर उधर के लोगों से जब बात की है पता चला है, दोस्तों सही बात है, उसी लड़की से बतिया रहे थे। और लड़की जब वीडियो देखी है तो लड़की भाग गई अपने मौसी के घर, दोस्तों लड़की अपने मौसी के घर भाग गई है। अब देखते हैं कहिया आती है, वो सोच रही उसको हम छोड़ देंगे, छोड़ने वाले नहीं हम। और दोस्तों आप लोग सोच रहे पता चल जाओ तो सतिया राड़ी का झोटा हुआ उखाड़ के ओकर मूर्ति चरा चप्पट चरचरा के सिनेमा को बतिया ओकर टूर देती भैंसिया के काना नहीं जा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा गोरखपुरिया भौजी जो बात कह रही है बिल्कुल सही है। तो महादेव भैया आपकी सरासर गलती निकल रही है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चियों का मुंह देखिए कितनी प्यारी है, और जो है कि अपने बीवी का जो है कि मुंह देखिए। और एक बात हम और कहना चाहेंगे जो एकदम पर्सनली बात है, भाभी जी आप अपनी लड़की की शादी तय करी है, बहुत जल्दी ही अभी तय करी है, तो आप लोगों की ऐसी झगड़ा जो कर रही हैं आप लोग, आपके बच्ची के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके बच्ची के ससुराल वाले क्या सोचेंगे। तो आप लोग इस तरह लड़ाई झगड़ा मत करिए, कोई मामला है तो उसे अपने घर पर बैठकर सॉल्व कर लीजिए। और लड़की वड़की का मामला है, महादेव भैया को समझाइए कि अब आपकी उम्र नहीं है सिटियाबाजी करने की और लड़कीबाजी करने की, तो आप अपने परिवार में रहिए अच्छे से। माओ गोरखपुरिया भौजी इतनी अच्छी हैं आप लोग देख सकते हैं, और इसमें कहने की क्या बात है, थोड़ा बहुत गुस्सहल हैं, जो कि हर औरत में थोड़ा बहुत गुस्सा होता है। तो मेरे पति भी मुझे कहते हैं बहुत गुस्से वाली हो, तो वैसे गोरखपुरिया भौजी भी थोड़ा गुस्से वाली हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर लेडीज में थोड़ा बहुत होता है गुस्सा। तो चलिए महादेव भैया अच्छे से रहिए, अपने परिवार में खुश रहिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग पूरा वॉच करिएगा। और चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे कुछ नए लेकर, कुछ नए अपडेट लेकर गोरखपुरिया भौजी के बारे में। तब तक के लिए बाय।